जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में शानदार मुकाबला हुआ उसी के बारे में, और वहीं यहाँ पर हम आपको इस डबल हेडर मुकाबले का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी KL राहुल और मयंक अग्रवाल के फैन हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 24वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला खेला गया, जहां पर कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं कोलकाता ने पंजाब के सामने कप्तान दिनेश कार्तिक के 29 गेंदों पर 58 रन की पारी के दम पर 165 रन का लक्ष्य रखा। तो वहीं हम आपको बताएं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुरुआत में जब बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी और सुमन गिल ने आज के इस मुकाबले में काफी शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि यहां पर राहुल त्रिपाठी तो मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए, लेकिन शुरुआती झटकों से टीम को उबारते हुए ओपनर सुमन गिल ने एक और अर्धशतकीय पारी खेली। गिल ने टीम को संभालते हुए 42 गेंदों का सामना करने के बाद 5 चौकों की मदद से टूर्नामेंट में तीसरा अर्धशतक जमाया। तो वहीं कप्तान दिनेश कार्तिक ने आतिशी पारी खेलते हुए महज 22 गेंदों पर ही 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से हाफ सेंचुरी पूरी करी। तो वहीं टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता के लिए सुमन गिल और त्रिपाठी ने पारी की शुरुआत की थी। हालांकि मोहम्मद शमी ने एक शानदार गेंद पर पिछले मैच के हीरो रहे राहुल त्रिपाठी को क्लीन बोल्ड कर कोलकाता को पहला झटका दिया। तो वहीं 10 गेंद पर 4 रन बनाकर राहुल त्रिपाठी आउट होकर पवेलियन लौटे। तो वहीं गिल और नए बल्लेबाज नीतीश राणा के बीच हुई गलतफहमी का फायदा पंजाब को मिला, जहां पर महज 2 रन बनाकर नीतीश राणा रन आउट हो गए और टीम को दूसरा झटका लगा। तो वहीं फिर रवि बिश्नोई ने इयान मॉर्गन का विकेट हासिल कर कोलकाता को बड़ा झटका दिया। तो वहीं गिल के सतपारी को संभालने वाले इस बल्लेबाज को 24 रन पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों उन्होंने कैच करवाया। तो ऐसे में अर्धशतक बनाने के बाद गिल 57 रन बनाकर रन आउट होकर वापस लौटे, और इसके तुरंत बाद अर्शदीप ने आतिशी बल्लेबाज आंद्रे रसल को विकेट के पीछे प्रभ सिमरन के हाथों कैच आउट करवाया। तो ऐसे में आज के इस मुकाबले में KKR की तरफ से सुमन गिल और दिनेश कार्तिक का फॉर्म में लौटना काफी ज्यादा जरूरी था, जिसके बलबूते पर आज के इस मुकाबले में KKR की टीम ने 164 रन बनाए और 165 रनों का लक्ष्य दिया किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को। तो वहीं फिर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआती बल्लेबाजी तो काफी स्लो थी KL राहुल और मयंक अग्रवाल की, लेकिन फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले तक लय पकड़ी और पावर प्ले तक दोनों ही खिलाड़ियों ने 47 रन जोड़ लिए थे बिना कोई विकेट गवाए, जहां पर KL राहुल ने 20 गेंदों का सामना करते हुए पावर प्ले में 26 रन बनाए और मयंक अग्रवाल ने पावर प्ले में 16 गेंदों का सामना करते हुए 21 रनों की पारी खेली थी। और इसी के साथ जब पावर प्ले खत्म हुआ तो उसके बाद मयंक अग्रवाल 56 रन की पारी खेलकर आउट हो गए और वो सुमन गिल को एक आसान सा कैच थमा बैठे। तो वहीं फिर बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन मात्र 16 रन बनाकर आउट हुए, हालांकि उन्होंने इस पारी के दौरान 2 चौके और 1 छक्का जड़ा था। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में KL राहुल की बदौलत और मयंक अग्रवाल की अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।